और मेरे बैक साइड में एक बहुत तगड़ा लेक है और उसके फ्रंट साइड में ऑफरोडिंग किंग खड़ा हुआ है, डिफेंडर। लेट्स गो, इसके अंदर बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं ऑफरोडिंग। मुझे इसको माउंटेन से नीचे लेकर जाना है बट ऑफरोडिंग रास्ते यूज करके। वैसे मुझे गाड़ी तो यार देखो पीछे ही निकालनी है, बट मेरा ऐसा मन कर रहा है ना कि प्रॉपर एक इस तरीके का राउंड मार के आता है। देखो इधर से यहाँ पर थोड़ी मिट्टी शिट्टी है, यहाँ से गाड़ी निकालेंगे, फिर ऐसे घुमा के यहाँ से ले जाएंगे और फिर ले जाएंगे प्रॉपर यहाँ से नीचे। रास्ते बहुत डेंजरस होने वाले हैं, वापस चलता हूँ गाड़ी में। डन भाई, स्टेयरिंग थोड़ी सी सीधी कर लेता हूँ और मुझे थोड़ा ध्यान से ही निकालनी है, बस आराम आराम से नीचे ले जाऊंगा। अरे वे, वेट वे, वे। एक सेकेंड भाई, डिफेंडर एक ऊपर चढ़। ओ भाई ये तो डेंजरस मामला है। आराम से आ जाओ ऊपर आ जाओ। बढ़िया बढ़िया भाई, फिसल गई थी गाड़ी पीछे पूरी। और एक सेकेंड, टायर तो पूरे कीचड़ में धस चुके हैं। मेरे को अभी भी थोड़ा ध्यान से ही निकालना है। अभी मेरे को रिवर्स डालनी है पहले, तो बिल्कुल आराम से बहुत कम कम पीछे ले जानी है, क्योंकि अगर फिसली, वैसे फिसल तो सकती नहीं है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है टायर ही फंस चुके हैं और मेरी गाड़ी बची भी इस वजह से है, वरना तो ऑलमोस्ट चली गई थी भाई इस तालाब के अंदर। बाकी ठीक है भाई, डिफेंडर है यार ये गाड़ी कहीं पर अटकने नहीं वाली। और मैंने पत्थर पर चढ़ा दी और इस गाड़ी कूदी तो ऐसे जैसे छोटे बच्चे कूदते हैं। और एक सेकेंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, हेलो, नहीं नहीं नहीं, निकल गए भाई निकल गए। ये मड बहुत ज़्यादा ही हैवी टाइप है यार, मतलब डेंजरस है। चल चल चल, बहुत सही बहुत सही, आराम से निकालना। वैसे यार मेरा ना ये बहुत ही घटिया डिसीजन था इस कीचड़ से गोल चक्कर कटाना, क्योंकि यहाँ पर यार सच में बहुत बहुत बुरी तरह फंस रहा है मेरा टायर गाड़ी का। एंड यस, जैसा कि मुझे पता ही था इधर अपनी गाड़ी अटकने वटकने नहीं वाली, प्यार से निकल आई है भाई गाड़ी बाहर। बट अभी स्टार्ट हुआ है असली टास्क। और वेट भाई, गाड़ी तो ऐसे फिसल रही जैसे बर्फ पे चल रही हो। ओए भिड़ी भाई, पेड़ में भिड़ी, मैंने पीछे खींच ली दोबारा से खींचता हूँ। आगे ना पत्थर है और रास्ता है ये, और गाड़ी भिड़ के टूट चुकी है। वैसे भाई मुझे नहीं पता, मैं बस जैसे तैसे गाड़ी को इस जगह से बाहर निकाल रहा हूँ, क्योंकि यार ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग है। देख रहे हो क्या हाल हो चुका है गाड़ी का। और एकदम आराम आराम से बढ़िया। चलो भाई अभी जाके थोड़े रास्ते चैन की सांस लेने वाले आई थे, बट वेट, पत्थर यहाँ दोबारा आ चुके हैं, यहाँ से भी निकाल लूँगा इजी। भाई स्टेयरिंग इस टाइम पर जो भाग रहा है ना मेरे हाथों से ये एकदम ऐसा ढीला नहीं है, बहुत एकदम पत्थर हो रखा है। जिस टाइप के नीचे रास्ते हैं उसी टाइप से ये भी हार्ड हो रखा है। यार इतना कीचड़ कम था क्या, यहाँ पर भी इतना कीचड़ भरा हुआ है। भाई ये तो फंसी गई, निकल जा निकल जा। यस यस, हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया, बाहर आ गई भाई, लेट्स गो। अबे क्या, ओए गुब्बारा है क्या ये भाई, पता नहीं ऐसे कौन से सस्पेंशन है भाई, गाड़ी कूद जाती है, अटकती नहीं है। लेकिन कंग्रेचुलेशंस, आगे वाला बम्पर अपना पूरा ही टूट चुका है। A few moments later. ओ भाई फाइनली फाइनली जाके ये महंगी वाली ऑफरोडिंग खत्म, और अभी शायद से अभी श्योर नहीं हूँ, सस्ती वाली ऑफरोडिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कीचड़ ना आए बस। भाई गाड़ी को मैं काफ़ी नीचे तक तो लेकर आ चुका हूँ, बट पीछे वाला बम्पर भी निकल गया यार चलाते चलाते, और रास्ता तो भाई उल्टा बिगड़ता ही जा रहा है। मुझे लग रहा था नीचे नीचे जाऊँगा ठीक हो तो जाएगा। और वेट, वैसे अच्छी बात है तुम्हारे भाई ने गाड़ी अभी तक खाई में नहीं गिराई है। भाई साहब गाड़ी देख रहे हो कितनी ताकत लगा रही, पीछे से फ्लेम्स निकल रही है, बट पीछे वाला टायर तो फंस ही गया भाई, दलदल है तो। बट ठीक है भाई, डिफेंडर हर जगह से निकल जा रही है यार, ये डेंजरस कार है। मुड़ जा, बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं जा रहा खाई में। गाइस देखो, माउंटेन्स पर आप लोग मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मतलब मैं आपकी गाड़ी शाड़ी तोड़ दूंगा बट ऐसे खाई भाई में नहीं गिराऊंगा। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील आ रहा है कि गाड़ी का इंजन बस अब बंद पड़ने वाला है। चलो भाई फाइनली अभी जाकर मुझे थोड़ा बहुत सही रास्ता मिला, बस आराम से यहाँ से उतर जाए और मैं आइलैंड बस लैंड कराने वाला हूँ। भाई सच बता रहा हूँ, गाड़ी चढ़ाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा टॉप पे, मतलब हाँ अपनी बुगाटी ठुक गई थी वहाँ थोड़ा बहुत टाइम चला गया, बट उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगा। लेकिन गाड़ी उतारने में जो बैंड बजी है ना, मेरी दलदल में बार बार फंस जा रही थी और मैं पहुँच गया के नीचे। अबे हेलो, हाँ पहुँच गए भाई, लेट्स गो। अपनी गाड़ी में सही सलामत तो नहीं कहूंगा, मतलब थोड़ी आगे से तोड़ दिया, थोड़ी पीछे से तोड़ दिया, ज़्यादा नहीं 1.5 करोड़ का खर्चा तो मैंने करा ही दिया, बट फाइनली मैंने अपनी गाड़ी को वापस ले आया नीचे। एक बारी आगे लेकर चलता हूँ, वहाँ पर यार मेरी मस्टैंग भी तो खड़ी होगी ना, मैंने यहीं कहीं पर खड़ी करी थी। बट यार मानना पड़ेगा, ये गाड़ी इतनी ठुकने के बाद, इतना भिड़ने भिड़ने के बाद भी एकदम बढ़िया चल रही है। ये लो भाई वापस पहुँच गए मस्टैंग पे, लेट्स गो। इस गाड़ी को पार्क कर देते हैं भाई यहाँ पे और उतर के इसकी कंडीशन दिखाता हूँ भाई। ओए ओए ओए, एक सेकंड, तो कौन चला रहा है?
भाई गाड़ी में मेरे को ऐसा लग रहा है कि रेस दबी रह गई और गाड़ी पागल हो गई है। वो मस्टैंग मत लाके ठोक दे, वो ठोक दी उसने। मस्टैंग को क्या होगा भाई पीछे से? नहीं ठोकी नहीं है, डिक्की खुली है भाई, वो गाड़ी खुद में ही जाकर डोनट बना रही है भाई। सच में यार डिफेंडर पागल हो गई क्या? हेलो, मैं गाड़ी के बाहर हूँ और गाड़ी को देखो भाई, उल्टे डोनट बना रही है। फ्रंट टायर से डोनट पहली बार देख रहा हूँ मैं भाई। वो डिफेंडर पागल हो चुके हैं, मेरे को मार मुरना दे, मैं जा रहा हूँ उससे कुछ खतरनाक ऑफ रोडिंग करवा दिया, उसका इंजन पागल हो गया। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? आज के इस वीडियो में उज्जवल भाई खेल रहा है बीम एनजी ड्राइव। इस वीडियो में उज्जवल भाई तगड़ी तगड़ी गाड़ी चला के अपनी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने वाले है, तो इसीलिए उज्जवल भाई ने ड्राइविंग स्टीयरिंग व्हील लगा लिया है। इस व्हील में सारी कंट्रोल्स है और रेस एंड ब्रेक के लिए उज्जवल भाई ने लगा लिया है पेडल शिफ्टर, और गियर शिफ्ट करने के लिए गियर बॉक्स भी है। तो गेम स्टार्ट होने वाले है उबर कवर रास्ते से, उसके बाद उज्जवल भाई को मिलेगी एक सुपर कार और इसे चला के लेके जाने होंगे माउंटेन के टॉप पे, और वहाँ पर उज्जवल भाई को मिलने वाले है एक एसयूवी और उसे ऑफरोडिंग करते हुए माउंटेन से नीचे उतरकर लाना है। अगर उज्जवल भाई ने इतना काम कर दिया बिना गाड़ी को क्रैश किए तो उज्जवल भाई इस ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाएगा। ओके, तो गेम स्टार्ट हो चुका है किसी सुनसान आइलैंड पर और उज्जवल भाई को स्टार्टिंग में ही मिल चुका है फोर्ड मस्टैंग, और उज्जवल भाई गाड़ी स्टार्ट करके जंगल के बीच में से होते हुए आगे चला जाता है, और उज्जवल भाई ऑफ रोड करते करते हाईवे पर पहुंच जाता है, और उज्जवल भाई टर्निंग में थोड़ा सा ड्रिफ्ट मार लेता है, ड्रिफ्ट मार के डोनट ही बना देता है। ड्रिफ्ट मारने के बाद और आगे जा रहा था, थोड़े आगे जाने के बाद उज्जवल भाई को रास्ते में मिल जाता है बुगाती, और उज्जवल भाई बुगाती में बैठ के चला लेता है। उज्जवल भाई थोड़ा सा रेस्ट दे देता है पर बहुत ही जल्दी स्पीड पकड़ लेता है। सामने जंगल वाला रास्ता था तो उज्जवल भाई स्पीड स्लो कर लेता है, थोड़े आगे जाने के बाद सीधा रोड आ जाता है और उज्जवल भाई फुल स्पीड में भगा देता है। थोड़े आगे जाने के बाद माउंटेन वाला रास्ता आ जाता है तो उज्जवल भाई धीरे धीरे चलाता है। उज्जवल भाई माउंटेन के टॉप पे आ चुका है पर ये वाला रास्ता गलत था क्योंकि रास्ता यहाँ पर आके खत्म हो चुका है, तो उज्जवल भाई वापस चला जाता है सही रास्ता ढूंढने, और उज्जवल भाई दूसरा साइड चला जाता है, और उज्जवल भाई गाड़ी को बहुत तेज स्पीड में चलाना चाहता है पर रास्ता ही ऐसा है कि चाहते हुए भी नहीं चला सकता। उज्जवल भाई फिर भी 100 प्लस की स्पीड में भगा देता है पर उज्जवल भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और गाड़ी क्रैश हो जाता है और गाड़ी झाड़ियों में जाके घुस जाता है। उज्जवल भाई फुल गियर में रिवर्स करके झाड़ियों से निकल लेता है और बुगाटी का आगे वाला बम्पर टूट चुका है, देखो कैसे नाच रहा है। गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, गाड़ी का स्टीयरिंग कंट्रोल बिगड़ चुका है। उज्जवल भाई गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उज्जवल भाई ने मंगवा लिया है अपना पर्सनल फेवरेट सुपर कार लेम्बोगिनी। उज्जवल भाई लेम्बोगिनी से कंटिन्यू करने वाला है इस मिशन को। ओके, तो उज्जवल भाई लेम्बोगिनी को बहुत तेज 100 प्लस के स्पीड में भगाता हुआ लेके जाता है माउंटेन के तरफ। थोड़े आगे जाने के बाद उज्जवल भाई ऑफ रोड वाले रास्ते पे पहुंच जाता है और उज्जवल भाई लेम्बोगिनी को साइड में पार्क कर देता है, और उज्जवल भाई पैदल चल के माउंटेन के टॉप पे आ चुका है, और फाइनली उज्जवल भाई को मिल चुका है ऑफ रोड किंग डिफेंडर। इसे माउंटेन से नीचे लेके जाना है ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से ऑफ रोड करते हुए। इसके बाद जो हुआ और उज्जवल भाई डिफेंडर को ऑफ रोडिंग करते हुए माउंटेन से नीचे कैसे लेके जाते हैं वो तो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देख चुका है। अगर आप फुल गेम प्ले वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल गेम प्ले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप भी मेरी तरह उज्जवल भाई की तगड़ा वाला फैन हो तो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए।